Hello guys, Tansi Dile Sewara Fefulo Namaste, this is your Darshan Tamang and once again welcome back to my YouTube channel Darshan Vlogs. So guys, shayad thumbnail aur title dekhke aap log shocked ho gaye. Maine bahut hi aage ek video banaya tha hamare village mein hamare dadi maa ke saath jo ki hamare dad ke mami ji lagte hai. To unka dehant ho gaya recently. Unka jo age hai na abhi 90 plus matlab 94 years ka ho gaya tha is saal. Relatives hamare dad ke mami ji lagte hai to mere hue dadi maa. To hamare nani maa bhi hai yahan par aaj. Dekhiye dukaan pe aayi hai. नमस्ते बंदिन. नमस्ते. तो गाइज मैं अभी फ्यूनरल में जा रहा हूँ वहाँ पर नीचे और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाए. ये यूट्यूब पे रहेगा तो हमारे यू नो आने वाले जनरेशन्स भी देखेंगे कि ये यू नो पुराने ज़माने में कैसे, जैसे कि अगर मैं हमारे दादा परदादा के ज़माने के टाइम के ऐसे यू नो वीडियोज़ देखता तो मुझे एक अच्छा लगता. तो उसी तरह 20-25 साल बाद अगर ये वीडियो हमारे आने वाले जनरेशन्स देखेंगे तो उनको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा था मतलब ज़माने में. मैं आज प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं करने वाला हूँ. यहाँ से मैं फ्यूनरल में जाऊंगा जहाँ पर हमारे दादी माँ गुजर गए. रिचुअल्स होते हैं, हम एज अ बुद्धिस्ट वहाँ पर लामाज आएंगे. लामा मीन्स बुद्धिस्ट मॉन्ग्स आएंगे, वहाँ पर कुछ पूजा करेंगे. तो उसका ही मैं कुछ क्लिप्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. लेकिन प्रॉपर ऐसे जो मैं अभी यू नो व्लॉगिंग कर रहा हूँ ऐसा व्लॉगिंग नहीं होने वाला है. वहाँ का जो रिचुअल्स है दिखाऊंगा और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर कैसे फ्यूनरल्स को करते हैं. और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाए. तो अगर आप लोगों ने जो पुराना वाला वीडियो मैंने दादी माँ के साथ बनाया वो वीडियो नहीं दिखाया है तो मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा गाइज, चेक कीजिए तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि उनका लाइफ कैसा था. आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. नीचे जा रहा हूँ और हुन्छ बेला हामी बाय 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 बाय. हमारे नानी माँ भी है. तो गाइज अभी चलते हैं नीचे और आप लोगों को मिलूंगा नीचे फ्यूनरल में. ठीक है, बाय बाय बाय. और यहाँ पर है हमारे दादी माँ. 93 अभी 94 हो गए. फेबुला मैम, मैम फेबुला अब 100 पुग्न लाई 12 वर्ष मते 11 11 मा हिँदै छु कि अब 9 वर्ष छ होला. ये मैम त आको ताप्नु हुँदै रहेछ. तो गाइस यहाँ पर है हमारे दादी माँ और दादी माँ के लिए मैंने कुछ गिफ्ट ले आऊँ. तपाईँलाई एउटा गिफ्ट ल्याइदिएको छु. गिफ्ट आपको ये पहनना चाहिए ना. ओके था मन पर्यो यो नानी है. हात देखाउन त 92-93 है. पोस्टु भयो त्यही नुन मान्छे खानुलाई एक वर्षको लागि चाहिँ लगेर जान्थ्यो. घुम भइसक्यो छिमी बाजु मैले भारिसक्यो. Thank you.
गाइज मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ पर सोला बनाया जा रहा है, और यहाँ पर हमारे कल्चर में लाश को जलाया जाता है, तो वहाँ पर सोला बना रहे हैं। नीचे टी गार्डन है और ऊपर है विलेज। तो आप देख रहे हैं यहाँ का रिचुअल्स ऐसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं यहाँ पर, हिंदू, बुद्धिस्ट है ना, क्रिश्चियन। देखिए गाइस, जो भी गुजर जाते हैं यहाँ पर जंगल में लेके, या तो उनके रिचुअल के हिसाब से या तो दफन करते हैं या फिर जलाए जाते हैं। यहाँ ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक विलेज है गाइस। दादीमा का सुबह के टाइम में देहांत हो गया था, और अभी लगभग ऐसे 11 बज गए, तो 12:30 तक यहाँ पर लाश को जलाया जाएगा। और एज पर द बुद्धिस्ट रिलीजन के हिसाब से जो मॉन्क्स है उनके टाइम टेबल के हिसाब से करते हैं। और शुक्र है कि अभी बारिश का सीज़न ख़त्म हो गया, नहीं तो अगर बारिश के सीज़न में होता तो बहुत ही मुश्किल होता। फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे तिरपाल लगाया है, अगर बारिश हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पर सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट आई डॉक्यूमेंट एंड आई फिल्म वट एवर द मॉन्क्स आर डूइंग, और जो भी रिचुअल्स होते हैं मैं उसको डॉक्यूमेंट करूँगा। आप लोग ही देख के समझ जाए कि मतलब क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। मैं जस्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग फ्यूनरल को कैसे एज अ रिचुअल हम लोग करते हैं, फ्यूनरल्स को कैसे किया जाता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। जैसे पहाड़ों में ना, पहाड़ी विलेज में यूनिटी टीम वर्क इज़ एवरीथिंग। वेडिंग हो, फ्यूनरल हो, कोई भी फंक्शन हो, सब लोग एक हो के मतलब हेल्प करते हैं। अभी देखिए पूरा विलेज के लोग आए हैं, लकड़ियाँ वकड़ियाँ काट के एकदम सोला रेडी हो गए, और लामा अपने काम कर रहे हैं मॉन्क्स। और देखिए गाइस धीरे धीरे मौसम ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा बादल ऊपर की ओर आ रहा है, और शायद अभी इधर भी ढक जाएगा, और हो सकता है बारिश भी हो सकता है, लेकिन अभी तो ठीक है वेदर। देखिए पीछे का मौसम। तो चलिए गाइस अभी ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर है तो देखते हैं। तो ऐसा होता है गाइस यहाँ का बुद्धिस्ट रिलीजन में ऐसा ही होता है, जब भी कोई गुजरता है तो ऐसा हम लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो हमारे विलेज ऐसा है, तो ये जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये लामा इंस्ट्रूमेंट होता है लावा ग्यालिंग, तो वो बजा रहे हैं।
Back up again.
I'm not going to do it. I'm going to go to the house. अभी ये आधा घंटा लगी आधा घंटा में खत्म हो गया ना पूरा तो देखिए गाइस रीति रिवाज के साथ तो लाइफ ऐसा है देखिए तीन घंटे में सब कुछ खत्म हो गया फिर से लामा आएंगे कंटिन्यूसली 13 to 21 days तक यहाँ पर फिर से पूजा होगा घर में तो उसके बाद फिर से फ्यूनरल होगा उनके नाम से भोजन कर दिया जाएगा आफ्टर 21 days तो उस 21 देश तक फिर लामा यहाँ पर पूजा करेंगे घर में शुद्धकरण जैसा है ना शुद्धिकरण जैसा है तो हमारा एक रिचुअल है ना मामा जी वही तो चल रहा है अभी तो थोड़ा बाकी है वहाँ पर फुबा तो हम लोग खत्म करके जाने के लिए यहाँ पर बैठा है यहाँ पर जितना भी लोग हमारे लैंग्वेज में हम दादी माँ को माम बोलते थे और माम लगभग 94 इयर्स का हो गया था और अभी गुजर गए हैं आज सुबह गुजर गए थे और अभी अंतिम संस्कार तो खत्म नहीं हुआ अभी 21 days तक यहाँ पर पूजा होगा घर में उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा लेकिन जो बॉडी है ना अभी जल के मतलब खत्म हो चुका है तो यही है माम का जो हमारे दादी माँ का कहानी यहीं पर ख़त्म होता है तो दिस वॉज द एंडिंग तो अभी हम सबको छोड़ के चली गए हैं दादी माँ तो आई प्रे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आप लोग भी गाइस प्लीज़ प्रे कर देना कि हमारे दादी माँ की आत्मा को शांति मिले और आप पीछे देख सकते हैं लाश जल रहा है और अभी सब लोग यहाँ पर है तो गाइस ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा था कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिले कि हमारे पहाड़ी विलेज में एज अ बुद्धिस्ट हम कैसे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं आफ्टर यू नो डेथ तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा तो गाइज आज के वीडियो में मैं नहीं कहूँगा कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो लेकिन गाइज इस वीडियो में प्लीज़ डोंट नेगेटिव कमेंट्स मत कर देना गाइज क्योंकि ये हमारे यू नो एज अ ट्रेडिशन एज अ रिचुअल हम लोगों ने ऐसे फॉलो करते हैं जो दादी माँ गुजर गए हैं दादी माँ का वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था उनके साथ वीडियो भी बनाया मैंने और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक है आप जाके चेक कर सकते हैं जन्म और मृत्यु तो सबको अगर इस दुनिया में आए हैं तो लेना ही पड़ेगा अगर कोई जन्म लेता है तो उसको मरना भी पड़ेगा ये सबके लिए है लेकिन इस बीच में जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो लाइफ हम जीते हैं ना वही मायने रखते हैं ज़िंदगी में तो इसीलिए गाइस ये लाइफ के टेन्योर में अच्छे अच्छे काम करना किसी के साथ बुरा मत करना सबको अच्छा करना सबके भलाई करना तो दैट्स इट थैंक यू वेरी मच गाइस सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय यत्रो सॉलिड बॉडी जल्यो